लक्ष्मी ने किया बलविंदर पर हमला। आया कहानी में नया ट्विस्ट। बन गई बलविंदर और मलिष्का की जोड़ी। ZTV के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में बलविंदर पहुंच गया है मलिष्का से मिलने के लिए। असल में दोनों के बीच नशे की हालत में रिश्ता बन गया था। ऐसे में बलविंदर को रियलाइज हो गया है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए देखिए कैसे वो मलिष्का से मिलने पहुंच गया। वो न सिर्फ मलिष्का से माफी मांग रहा है बल्कि उसने तय कर लिया है कि अब वो मलिष्का से शादी करेगा और उसे खुश रखेगा। ऐसे में वो मलिष्का को प्रपोज भी करता है, लेकिन ये देखकर मलिष्का हैरान रह जाती है और तो और जड़ देती है बलविंदर के गालों पर जोरदार तमाचा भी और दे देती है वार्निंग कि इनके बीच कुछ नहीं हो सकता। बलविंदर, तुम और मैं कभी एक दूसरे, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ना कभी कर सकते, समझ में? अरे जो भी हुआ है ना हमारे बीच में, वो सिर्फ एक गलती थी, एक एक्सीडेंट था, उसे गलती समझ के भूल जाओ, यही सच है। तुम और मैं एक दूसरे को नहीं चाहते। तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो और मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, समझ रही हूँ? और इस एक रात की गलती के लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे मतलब मुझे लगता है बलविंदर का कैरेक्टर देख के कि वो वैसे इनोसेंट है, वैसे कुछ भी ऊटपटांग हरकतें करता है, तो उसे उसकी रियलाइजेशन है क्योंकि बलविंदर के गांव में एक मान्यता है कि अगर किसी के साथ उसका ऐसा रिलेशन बन जाता है तो उस लड़की से ही शादी करनी पड़ती है। तो यही रीज़न है वो मलिष्का के पास जाता है, मलिष्का को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे शादी कर ले। बट मलिष्का उसे बताती है कि ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब मलिष्का अपने अंदाज में बलविंदर को बोलती है कि ये हो नहीं सकता है कि जो तुम्हारा ये जो भी हुआ वो सिर्फ़ एक गलती थी, तो तुम इतने लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही दिमाग में रख के फिर बलविंदर जो है वो जो स्ट्रेस लेके अभी तक परेशान चल रहा था वो फ्री हो जाता है कि ठीक है, मतलब अभी मेरा टारगेट लक्ष्मी है, उससे मैं प्यार करता हूँ, तो अभी वही है। मतलब ये मान्यता में मतलब जो उसको लोड था सब वो ख़त्म हो जाता है, तो अभी यही हुआ है अभी सीन में फ़िलहाल। भाई मलिष्का ने तो बलविंदर को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो उससे दूर ही रहे। ऐसे में बलविंदर भी वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है लक्ष्मी से। ऐसे में लक्ष्मी बलविंदर को देखकर हैरान रह जाती है और उसके मुँह से अपना नाम सुनकर बलविंदर भी खुश हो जाता है। इसलिए देखिए कैसे वो लक्ष्मी के पीछे पीछे उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डरी बेहाल लक्ष्मी वो बलविंदर से अपना पीछा छुड़ाती है और तो और गमले से कर देती है बलविंदर पर हमला भी, जिसके चलते बलविंदर बेहोश हो जाता है। तो बलविंदर जो है वो तो आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी का ही दीवाना है, और अभी भी आज मतलब अभी जो हम सीन करने वाले हैं उसमें वो एक ऐसा फेज़ आएगा, एक ऐसी जगह वो लक्ष्मी को फेस करेगा, लक्ष्मी और बलविंदर आमने सामने आ जाएंगे। और जब वो सामने आते हैं तो दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट टाइम कि लक्ष्मी अपने मुँह से नाम बुलाएगी बलविंदर का, जब बलविंदर भी अपने कोई मतलब उसने और हुलिया नहीं बदला हुआ है अपना, और सामने लक्ष्मी खड़े होकर बोलती है बलविंदर, तो वो खुश हो जाता है वो चीज़ देख के कि लक्ष्मी तू मुझे अभी भी पहचानती है, अभी भी तू मुझे भूल ही नहीं है। तो अच्छा सीन है, ऐसा कुछ अभी आने वाला है। भाई इस हादसे के बाद बेहोश बलविंदर को देखकर ऋषि भी हैरान है,
और अब उसे यकीन हो गया है कि बलविंदर ही इन सबके पीछे था। अब देखना होगा कि दोनों मिलकर कैसे बलविंदर के होश में आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद कहानी क्या नया मोड़ लेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो फिल करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सेम वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर भी जाएँ और वहाँ भी हमें फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।